जब हम लोग क्लास करते हैं ना, जब हम लोग क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं, तो मैंने देखा है जब आप मेरे से पहली बार मिलते हैं, स्टूडेंट मेरे से पहली बार मिलते हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन यही करता हूँ कि भाई पता कि हम में से कितने लोग पढ़ने में कमज़ोर हैं। तो ऐसे ना 90% लोग हाथ उठाते हैं, सर जी मैं कमज़ोर, मैं कमज़ोर, मैं कमज़ोर, मैं कमज़ोर, मैं कमज़ोर। फिर मैं उनसे कहता हूँ कि क्या हम लोग रियल में पढ़ने में कमज़ोर हैं? आप ध्यान से देखिएगा कि क्या रियल में हम लोग पढ़ने में कमज़ोर हैं। जैसे बाई बर्थ जब हम लोगों का जन्म होता है इस पृथ्वी के ऊपर, जब हम लोग आते हैं, तो जन्म के बाद, जन्म के समय हम में से हर कोई शून्य रहता है, किसी के दिमाग में कुछ नहीं रहता। वैसे एक्सेप्शन अलग बात है, लेकिन जनरली हम लोगों के दिमाग में कुछ नहीं होता, हम लोग शून्य होते हैं। और जब जन्म के बाद जब आप इस एज पे हैं, तो आपके दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। वो अलग बात है कि उसमें रीजनिंग नहीं ऐड हुआ, मैथ नहीं ऐड हुआ, इंग्लिश नहीं ऐड हुआ, जीएस नहीं ऐड हुआ, फिजिक्स नहीं ऐड हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐड हुआ है। क्वेश्चन ये है कि जब कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो फिर रीजनिंग क्यों नहीं ऐड हो सकता, मैथ क्यों नहीं ऐड हो सकता, इंग्लिश क्यों नहीं ऐड हो सकता, जीएस क्यों नहीं ऐड हो सकता, फिजिक्स क्यों नहीं ऐड हो सकता, जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं ऐड हो सकता? तो शायद हम लोगों का दिमाग जिस प्रोसेस से काम करता है, मुझे फील होता है कि हम लोग उस तरीके से उसे काम ही नहीं कराते। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों का दिमाग, जैसे अगर बात करें हम लोग सीखने के ऊपर, पढ़ने के ऊपर, तो हम लोगों ने बचपन में एक लेटर लिखना सीखा है, फिर हम लोगों ने दो लेटर वाला वर्ड सीखा है, फिर हम लोगों ने तीन लेटर वाला वर्ड सीखा है, फिर हम लोगों ने चार लेटर वाला वर्ड सीखा है। कोई बचपन में होगा जो पांच लेटर का भी वर्ड पढ़ा होगा, कोई ऐसा भी होगा जो बचपन में छह लेटर का भी वर्ड पढ़ा होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं होगा जो सात सात आठ आठ लेटर का वर्ड पढ़ना सीखा होगा। लेकिन जब आप इस एज में आप मौजूद हैं, जब हम लोग इस एज में मौजूद हैं, तो आप देखिए कि अगर 10 लेटर का 12 लेटर का भी कोई वर्ड आता है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन बचपन में हमने बस इतना ही पढ़ा है, लेकिन हम आज बड़े बड़े वर्ड को भी पढ़ पाते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा जो मैं सोच पाता हूं कि हमारे दिमाग, हमारा दिमाग ना काफी पावरफुल है, वह लेटर को प्रॉपर तरीके से अरेंज करके बोलना सीख गया है, लेकिन उसके लिए हमने काफी समय दिया है। उस समय हम लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आज मुझे एक लेटर पढ़ना है, कल दो लेटर पढ़ना है, कल तीन लेटर का वर्ड पढ़ना है, फिर ऐसे 10-12 लेटर का भी वर्ड मिलेगा जिसको हमको पढ़ना पड़ेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा, लेकिन आज हम पढ़ पाते हैं। लेकिन आज पढ़ने के दौरान क्या होता है कि जैसे ही क्लास में आए, रीजनिंग, ओहो पहला दिन का क्लास, पता नहीं चला क्या हो गया, मैथ पता नहीं हुआ कि क्या चल रहा है इसके अंदर, और हम लोग को अंत में फील होता है कि भाई तो कुछ आने वाला नहीं है, पढ़ाई बहुत टफ है। लेकिन पढ़ाई टफ है, आपका दिमाग उसको सही तरीके से अरेंज नहीं किया, और दिमाग अरेंज नहीं, आपने जिस तरीके से उसको सिखाया है दिमाग को, शायद वो तरीका गलत है जिसकी वजह से वो आपके दिमाग तक पहुंचा ही नहीं टॉपिक। ये श्योर मानिए, हम लोगों का दिमाग इतना पावरफुल है जिसमें चाहे जो भी करना चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन ये फील करना होगा कि हम कमज़ोर नहीं है, क्योंकि दिमाग ये सिखाया है कि भाई हम कमज़ोर नहीं है। दिमाग हमेशा प्रूफ देते गया है कि हम कमज़ोर नहीं है, तुम कमज़ोर नहीं है, तुम कमज़ोर नहीं हो, शायद तुम मुझे गलत तरीके से देते आए हो जिसकी वजह से तुम हमको कमज़ोर कह रहे हो, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ये दिमाग कहता है। और निश्चित तौर पे ये ऐसे ही होगा। तो जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आखिर वहाँ पे हम ऐसा क्या करें, कौन सा प्रोसेस करें? मैंने कहा वो प्रोसेस की वजह से हम लोगों का ड्रॉप आउट होता है, वो सब्जेक्ट कम कमज़ोर होता है। तो आखिर ये प्रोसेस कैसा होगा, और निश्चित तौर पर हम में से हर कोई इसे मिल के सोल्व कर सकता है। तो चलिए हम लोग मिल के इसके सोल्व करेंगे कि रीजनिंग कैसे सोल्व हो, मैथ कैसे सोल्व हो, हम क्वेश्चन को पढ़ें कैसे, समझें कैसे, उसका प्रोसेस कैसे होगा, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं है, ना ही मेरा दिमाग कमज़ोर है, शायद जिस प्रोसेस से मैं उसको पहुँचा रहा हूँ क्वेश्चन को, जैसे मैं समझा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, वो सही तरीका नहीं है, मुझे तरीका चेंज करना होगा, ना कि मेरे दिमाग को अपने कमजोर मानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मिल कैसे सोल्व करेंगे कि हम लोग पढ़ाई को आसान कैसे बना सकते हैं।